मैं आप सभी को, आप जैसे महानुभवों को, लोक सेवक मंडल की, मेरे गृह राज्य ओडिशा के साथ बहुत गहरा संपर्क है। लाला जी के द्वारा गठित की गई लोक सेवक मंडल को उस समय की ओर एक समाज शिल्पी, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोपबंधु दास जी के द्वारा एक अखबार चलाई जा रही थी स्वतंत्रता की पहले, इसीलिए हमारी लोक सेवक मंडल के साथ गहरा संबंध है। समाज अखबार उड़ीसा की गौरव है, उड़ीसा की अभिव्यक्ति है, इसीलिए उड़ीसा की संपर्क के नाते मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आप सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे और आपकी जो संस्था आज हमें सौभाग्य आपने दिया, अनेक अत्यंत संवेदनशीलता के साथ संगठन और संस्था और व्यक्तिगत उद्यम, दिव्यांग जन जैसे जिसके बारे में जितना कम कहे उतना अच्छा, जितना अधिक करे उतना ही पवित्रता होगी, क्योंकि उसको समझा पाना मित्रों बहुत ही कठिन काम है। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से आज के दिवस पे, आज की उत्सव की मन से, लोक सेवक मंडल की आज की इस महत्वपूर्ण मंच पे और आप सभी के सामने देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने संसद में नई विधेयक लाया, दिव्यांग जनों की नई परिभाषा लाया और उसको व्यापक किया, 22 आयामों को, कभी समाज ने उसको डिजेबिलिटी माना था, डेफिशिएंसी माना था और पूरा भी गिनती नहीं कर पाया था। मेरे ख्याल से दरियाल जी आठ आयामों को, सात आयामों को ही डिजेबिलिटी मानी गई, अब उसको बढ़ा के 22 करवाया गया और 22 करते ही एक मूलभूत परिवर्तन करवाया गया। यह किसी की दया की पात्र नहीं है, किसी के आश्रम में नहीं रहने वाले लोग हैं। भगवान ने भले ही एक आधा नैसर्गिक प्रवृत्ति कम किया होगा, लेकिन शायद और 5 चीज उनसे जोड़ के दिया। अभी जो हम राजस्थान की लोक कला देख रहे थे, जब परिचय हुआ कि सब श्रुति बाधित लोग हैं, बच्चा हैं, ये तो हमारी कल्पना की परे हैं कि इतना सुंदर नृत्य नाटिका अपने बच्चे कर भी सकते हैं, पर समाज ने तो अपने ना समझ के कारण, सही मायने में कमी किसी के अंदर है तो हम जैसे समाज में जानकार लोग हैं, तथा कथित पढ़े लिखे लोग हैं, हम पहचान नहीं पाए थे समाज की उस कलाओं को, उस आवश्यकताओं। अभी यहां मेरे बड़ी दीदी आदरणीय मल्लिका नाड्डा जी बैठी हैं, मैं कई सालों से जानता हूं, उन्होंने देश की दिव्यांग बच्चों को इकट्ठा करके देश के अंदर उनकी स्पोर्ट्स कंपटीशन आयोजित नहीं करती। एक बार दीदी ने मेरे घर आके मेरे को एक स्वेटर दिया था, मैं बहुत लंबे समय तक स्वेटर को पहनता भी था। मैंने कहा दीदी ये स्वेटर आप, मजाक में मैंने कहा कि आप हमारे नाटा साहब के लिए बनाए क्या, उसकी एक कोटा मेरे को भी मिल गया। बोले नहीं, मैं जिन बच्चों को इकट्ठा करके स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कराता हूँ उन बच्चों के लिए, मैंने अपने परिवार जनों से जिनको जो ज्यादा प्रेम करती है ऐसे बच्चों को इन्होंने इकट्ठा करके देश में नहीं अभी तो दुनिया ही ले जाती है, उनकी जो ओलंपिक होती है वहां ले जाती है। आज मैं एक एक संस्थाओं को देख रहा था,
एक एक संस्थाओं को देख रहा था। अभी किसी संजोग से मैं शिक्षा विभाग की काम से जुड़ा हूँ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।